इस वीडियो को बनाते समय सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। प्लीज आप लोग इसे घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। तो दोस्तों, मेरे हाथ में है फेविकॉल और जो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो होने वाला है फेविकॉल के साथ। तो दोस्तों, फेविकॉल जो होती है इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसका पानी में भी मजबूत जोड़ होता है। और दोस्तों, ये जो फेविकॉल है वो लकड़ी को चिपकाने के काम आती है। तो हम दोस्तों आज इस फेविकॉल को गर्म करके देखते हैं कि इसकी पावर पीछे रहती है या नहीं, या गर्म करने पे क्या होता है। दोस्तों, तो हम चलते हैं हमारे गैस स्टोव के पास और शुरू करते हैं आज का एक्सपेरिमेंट। इससे पहले आप वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए। शुरू करते हैं हम हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों मैं गैस स्टोव को ऑन कर लेता हूँ। आप देख रहे हो मैंने गैस स्टोव ऑन कर लिया है, मैंने फ्राई पैन ऊपर लगा दिया है। अब मैं इसके अंदर फेविकॉल डालने जा रहा हूँ। तो ये देखना अंत में ये है दोस्तों कि क्या हालत होने वाली है इस फेविकॉल की गर्म करने पर। दोस्तों, मैंने यहाँ पे पूरी फेविकॉल इसके अंदर डाल दी है। अब इसे थोड़ी देर के लिए गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, इसको 5-10 मिनट गर्म करने के बाद इसका बड़ा बलून बन चुका है फेविकॉल। अब इसे और गर्म करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बिल्कुल हो चुका है, गाढ़ा हो गया है, पक्की हो चुकी है।
ठंडा करते हैं थोड़ा सी, फिर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों इसे फुल गर्म करने के बाद ये पपड़ी बन चुकी है, तो अब ये देखते हैं कि ये जो लकड़ी के कुर्सी के पैर हैं वो इसे चिपकते हैं या नहीं चिपकते हैं, क्या ये सुपर फेविकोल बना है। दोस्तों देखते हैं इसे चिपका के। तो इसकी दोस्तों गर्म करने पे इसकी पावर तो ख़त्म नहीं हुई है, ये हट ही नहीं रहा है दोस्तों, खतरनाक चिपक गया है ये कि फेविकॉल ऐसे धीरे धीरे चिपकता है, गर्म करने पे ये हार्ड होने की वजह से बहुत ही जल्द चिपक चुका है। अब इसे हटाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी पावर तो बस यही है, बनी हुई है ये, इसके अच्छी तरह से चिपक चुका है। तो ये है दोस्तों इसकी पूरी पपड़ी बन गई है, बस अभी भी गर्म है ये। तो दोस्तों आज का रहा हमारा ये एक्सपेरिमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक्सपेरिमेंट, आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें, तो वीडियो को लाइक करें। और जो नए मेरे भाई लोग हैं उनसे निवेदन है दोस्तों कि जो चैनल पे नए हैं मेरे भाई लोग, उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।